गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वंस अगेन वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 6, लेट्स डू एडिशन, सॉरी लेट्स डू डिवीजन। सो टेक योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 68। पार्ट वन में हमने पेज नंबर 67 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा स्टार्ट होता है पार्ट टू, डिवीजन फैक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवाइडिंग बाय वन। व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय वन, द क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर्स में अगर हम वन का डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 9। डिविजन फैक्ट इट्सेल्फ, डिवाइडिंग बाय इट्सेल्फ। अब देखिए, व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय द नंबर इट्सेल्फ द क्वोशेंट इज वन। अगर हम उसी नंबर में उसी का डिवाइड करेंगे, किसी नंबर में उसी का डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, उसका क्वोशेंट वन। डिविजन फैक्ट जीरो, डिवाइडिंग जीरो। व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर, हम किसी भी नंबर्स में जीरो का डिवाइड करेंगे, द क्वोशेंट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, जीरो डिवाइड बाय इज इक्वल जीरो, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बिकॉज डिविजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीरो का डिवाइड या जीरो में किसी का भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है। सो एक्टिविटी जोन, फिल इन द ब्लैंक्स। 11 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल, आपको पता है यहाँ पर 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 9 था, मीन्स हमने क्या किया था, उसी नंबर में वन का डिवाइड किया था तो हमें आंसर मिला था 9। अब हम 11 डिवाइड बाय 1 कर रहे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। ठीक इसी तरह 0 डिवाइड बाय 8 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। और ये हमारा फैक्ट सेकंड था कि किसी भी नंबर्स में उसी का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल, 12 इज इक्वल 1, 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल 1। इसी तरह 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 3, 16 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल 1, 14 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल 1। इसी तरह से यह बाकी के आप कंप्लीट करेंगे और ऊपर के फैक्ट को जरूर याद रखेंगे और इनके हेल्प से ही आप इनको सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं पेज नंबर 69 पर। लॉन्ग डिवीजन, राम हैड 36 एप्पल, ही वांट टू पुट देम इक्वली इन 6 बॉक्सेस। हाउ मेनी एप्पल्स डू वन सॉरी आई पुट इन ईच बॉक्स। लेट्स वी लर्न ए न्यू मेथड लॉन्ग डिवीजन। राम के पास 36 एप्पल है, उसको 6 बॉक्स में वो एप्पल इक्वल रखना है। तो अब हमें पता करना है वन बॉक्सेस में कितने एप्पल्स रखेंगे और इक्वल कैसे आएंगे। डिवाइड 36 बाय 6, हमारे पास टोटल एप्पल 36 थे, बॉक्सेस 6 थे, तो 36 डिवाइड बाय 6। तो अब हमने 36 का 6 में डिवाइड किया, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्टेप के साथ। राइट द डिवाइजर एंड डिवाइडेंट इन द करेक्ट प्लेस। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ये, चेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। अगर हमें आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है तो चेक करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द क्वोशेंट अंडर द डिवाइडेंट एंड सबट्रैक्ट टू गेट 0। तो हमारा आंसर आया 6, तो उसको कितने बॉक्स की नीड होगी, 6 की। आपको यहाँ पर स्टेप दी है, मैं आपको उसमें सॉल्व करके बताती हूँ। पेज नंबर 70, एक्टिविटी जोन, डिवाइड द फॉलोइंग। 42 डिवाइड बाय 6, हमें 42 में किसका डिवाइड करना है, 6। हमने यहाँ लिखा डिवाइड का जो साइन होता है उसमें 6 का डिवाइड 42 में करना है। अब हमें देखना है 6 की टेबल में 42 कितने टाइम आ रहा है, आता है या नहीं आता है, ये दोनों चीज़ें पता करनी है। अगर आता है तो कितने टाइम में आता है, तो आपको इसके लिए 6 की टेबल लर्न होना ज़रूरी है। इसलिए आप 15 तक लगभग टोटल सॉरी
आपको कम से कम 12-15 तक टेबल लर्न होना चाहिए। अब आप बताइए मुझे 6 के टेबल में 42 कितने टाइम आ रहा है? वेरी गुड, 7 टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 7s are 42। 2 2 2 में से 2 माइनस कुछ नहीं, 4 माइनस 4 कुछ नहीं, हमारा क्वेश्चन आया 7। तो क्वेश्चन में हम लिख देंगे आंसर 7। इसी तरह अब हमें यहाँ पर 27 में किसका डिवाइड करना है? 3 का। यहाँ लिखेंगे हम 27, ये हमारा डिवाइजर, ठीक है? जिसका हमें डिवाइड करना होता है उसे डिवाइजर कहते हैं, और ये हमारा डिवाइडेंट है क्योंकि इसमें हमें डिवाइड करना है। ऊपर जो हमारा आंसर आता है उसे क्वाशेंट कहते हैं। अब आप पता लगाइए 3 के टेबल में 27 आता है, यदि आता है तो कितने टाइम में आता है? आप बताएंगे और मुझे बताओ कि कितने बार में आ रहा है। वेरी गुड, 9s are, तो 3 9s are 27। 27 माइनस 27, तो हमारा आंसर आया ऊपर का क्वेश्चन 9। इसी तरह से नेक्स्ट आप कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, एक्टिविटीज ऑन पार्ट 2 में हमें पेज नंबर 68 एंड 70 सॉल्व करना है। सो गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।